जिला बार संघ मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक बार संघ आज यहां पर नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। जिला बार संघ के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने आज अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। चुनावी दंगल के अंदर अपने को उतार दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं, सीधा रुक कराएंगे। यहाँ पर चुनाव अधिकारी मेरे साथ जुड़ेंगे, एक पैनल है बहुत बड़ा चुनाव अधिकारियों का। पहले जानते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा। जी आपका शुभ नाम? राजेश शर्मा जी। राजेश जी बताइएगा आज के प्रोग्राम के बारे में, कितने नॉमिनेशन फाइल हुए? अभी समय जो है प्रक्रिया शुरू हो गई, मतलब भर दिए गए हैं, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, उनकी जांच चल रही है और जांच के बाद ही जो है ये बताया जा सकेगा कि कितने हैं संख्या। जी रिया साहब। हाँ जी, आज नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे शुरू हो गए, 2 बजे तक समाप्त हो चुकी है। अब नामांकन पत्र जो दाखिल हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच उपरांत होने के बाद में नोटिस बोर्ड पर जो फाइनल हो जाए कितने उम्मीदवार आए हैं उनका जो है। प्रोग्राम बता दीजिए कैसे कैसे रहेगा प्रोग्राम? कल का पूरा आज से लेकर लास्ट तक। हाँ, कल 2 बजे तक वापसी है नामांकन पत्रों की। जी 23 तारीख में जयपुर मतदान है और 24 में काउंटिंग। कोई खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हो मतदाताओं को, प्रत्याशियों को? सीओपी के बिना कोई चुनाव नहीं होगा, अपने जो भी वोट राइट वोट वोट जो है वो सीओपी डालने पर ही होगा, सीओपी साथ लेकर आना अनिवार्य। और क्या आशाएं रख रहे हैं आप मतदाताओं से? सहयोग जी। आओ जी, क्या कहना चाहेंगे, कुछ और विशेष दिशा निर्देश देना चाहेंगे? प्रिय तरीके से नामांकन हुआ है और अभी थोड़ी देर में हम सूची जारी कर देंगे इसकी। जरा नामांकन जी, जरा अपने सभी साथियों के नाम बता दें जो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। हमारे जी मनोज सदाई जी बताइए, कौन कौन इस बार चुनाव अधिकारी गण बनाए? हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी हैं और चुनाव अधिकारी गण श्री राजेशम राठी जी हैं और आमोद कुमार त्यागी जी हैं, रमेश चंद गोयल जी हैं, सत्येश्वर सिंह हैं, मैं हूँ, सुदेश कासिया जी हैं, नीरज ठाकुर जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं। जी जी मनोज जी, कितने टोटल खुद कितने बनाए गए? टोटल 9 हैं, 9 मुख्य चुनाव अधिकारी है, 8 सहायक चुनाव अधिकारी। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार इस बार प्रत्याशियों का एक लंबी कतार रहेगी, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उसी तरह से 9 चुनाव अधिकारी, एक मुख्य चुनाव अधिकारी है, 9 चुनाव अधिकारी जो कि मॉडल बायलॉज के तहत, जो कि बार काउंसिल के इंस्ट्रक्शन है उसके तहत नियुक्त किए जाते हैं। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है जिला बार संघ में और निष्पक्ष हो मतदान, ऐसी आशा जताई जाती है। और इसी आशा के साथ पूरा चुनाव जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्या क्या रहेगी और आगे की जानकारी, किस में है कितना दम, ये भी हम दिखाएंगे, किससे है कोई रुष्ट या किससे चाहता है कोई अपेक्षा, वो भी हम दिखाएंगे, अधिवक्ताओं की क्या राय है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। हम आपको बताते, जैसे ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए तो सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी चुनावी परामर्श तथा चुनावी चर्चा शुरू कर दी है, एक दूसरे को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है, समर्थक अपने गुट को किस तरह से विजय मनाया जाए इस बाबत चर्चा कर रहे हैं तथा अपने को सबसे बेहतर दावा कर रहे हैं, अपने कार्यों की उपलब्धि गिना रहे हैं। तबकि जो दूसरे लोग हैं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए ये भी बता रहे हैं कि किसमें कितना है दम और कौन है सच्चा हकदार, किसके लिए है बार का गरीब, जो कौन रखेगा सबसे बड़ी बार की गरिमा, लगातार आप देख सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 3 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर यहां पर जो है जिला बार संघ के अंदर नॉमिनेशन किया है, उसके अंदर आप बात करें तो अनिल जिंदल और इसके अलावा योगेंद्र कुमार शर्मा तथा मुनेश त्यागी अध्यक्ष पद के लिए है, जबकि महासचिव पद के लिए इस बार 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अध्यक्ष पद को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, लेकिन आज नाम वापसी होगी, देखा जाएगा कि कौन रहता है चुनावी दंगल में आखिर तक, क्योंकि यहां पर मतदान होना है 24 दिसंबर को। शतरंज का खेल चल रहा है लेकिन सबकी निगाहें जिला बार संघ के मतदान पर है, चुनाव पर है। युवा अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सब मेरे साथ है। जी क्या है इस बार सोच? मैं मोहम्मद बुरहान, इस बार बहुत अच्छा माहौल है चुनाव का और 3 ग्रुप चुनावी मैदान में है
तीनों ही ग्रुप बहुत मजबूत हैं, बहुत सक्रियता के साथ लड़ेंगे। क्या लग रहा है किसकी नज़दीक है जीत? कुछ जो पुराने ग्रुप हैं दो, उन्हीं में फाइट है, उन्हीं में फाइट है जी। मैं पिछले साल जिंदल जी और जी मलिक साहब के ग्रुप से था। जो शाद अंसारी, मैं यही वाली बात कहूँगा कि कचहरी में इस बार का जो चुनाव जो है वो जो जुडिशरी लगातार हावी हो रही है पिछले काफ़ी सालों से, उस जुडिशरी पर लगाम लगाने के लिए जो भी कैंडिडेट अपना प्रस्ताव लाएगा और अधिवक्ता ही देखेगा वही जीतेगा। बहुत बड़ी बात जी। आस मोहम्मद त्यागी एडवोकेट, हम ये चाहते हैं जो अधिवक्ता के हित में कार्य करें वही ग्रुप आए जी। मैं इनाम मिलाई एडवोकेट, हम तो ये चाहते हैं कि जो जुडिशरी आपके अधिवक्ताओं पर भारी है उस पर लगाम लगाने के लिए जो भी अपनी ये शर्तें रखेगा हम उसे ही वोट करेंगे और वही ग्रुप जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर सिविल बार संघ के मतदान को लेकर सभी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है क्योंकि यहां पर कल 21 दिसंबर को मतदान होना है और आज भी समर्थकों ने अपने अपने पक्ष में वोट मांगी, चुनावी जनसंपर्क किया। देख सकते हैं वो तस्वीरें, यहां पर मौजूदा कार्यकारिणी महासचिव जो सुनील मित्तल है उन्होंने भंडारा चलाया और वोट मांगी, कैंपस के अंदर एक दूसरे को आकर्षित करने का काम किया, वोट मांगी हैं और देख सकते हैं वो तस्वीरें। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहीं बीएस मलिक ग्रुप और सत्येंद्र मलिक ग्रुप ने भी एक विशाल सभा का आयोजन किया है। हालांकि दोनों गुटों ने अपनी अपनी सभाएं की हैं लेकिन बीएस मलिक और सत्येंद्र कुमार समर्थक अपनी जीत का पक्का दावा कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपस में वोट मांग रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं तथा ये भी जता रहे हैं कि बार की गरिमा बचाने के लिए और बार के अस्तित्व को बचाने के लिए वो कितने मददगार हैं और किसके कितने मददगार हैं ये बात भी सामने आ रहा है। बहरहाल सभी तैयारी पूर्ण हो रही है, एक दूसरे से वोट मांगी जा रही है, सीधा मुकाबला बार जो सिविल बार एसोसिएशन है उसमें बना हुआ है। कल मतदान शुरू हो जाएगा, 21 को होगा मतदान, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ आरिफ इश्मेली चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। पल पल की अपडेट के लिए बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिएगा बार और बेंच न्यूज़ चैनल क्योंकि पूरी अपडेट सुबह से लेकर शाम तक आप इस पर देख सकेंगे। जिला बार संघ का चुनाव हो या इसके अलावा सिविल बार संघ का चुनाव हो, सभी अपडेट के लिए बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल।